स्वतंत्र प्रभाग समाचार प्रीति शुक्ला के साथ। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की ग्राउंड जीरो से ये खास रिपोर्ट। खौफ के साए में 11 माह बाद खुले छोटे बच्चों के स्कूल। भदोही में सभी छोटे स्कूली बच्चों के विद्यालय आज सोमवार को 110 माह बाद खोले गए। शिक्षक पहले ही दिन कोरोना से खौफजदा दिखाई दिए। अव्यवस्थाओं के बीच स्कूल आज 9 बजे के बाद खोले गए। सैनिटाइजेशन की व्यवस्था के साथ साथ सामाजिक दूरी पर भी ध्यान दिया गया। इस मौके पर प्राथमिक विद्यालय ज्ञानपुर द्वितीय सहित अन्य विद्यालयों में बच्चों ने रैली निकाली। पहले दिन विद्यालय प्रधानाध्यापिका गुप्ता ने बच्चों के माता पिता एवं प्रवेश के बारे में व पढ़ाई को लेकर सैनिटाइजर व सामाजिक दूरी बनाए जाने पर जोर दिया गया। पहले दिन स्कूल पहुँचे इस मौके पर ज्ञानपुर द्वितीय की प्रधानाध्यापिका शालिनी गुप्ता ने बताया कि विद्यालय गेट पर निर्देशित कर दिया गया है कि विद्यालय परिसर में मास्क पहनकर ही प्रवेश होगा। हाथों के लिए गेट के पास ही सैनिटाइजर उपलब्ध है। ये भी बताया कि स्कूल खुलने से बच्चे के चेहरे पर मुस्कान है, अभिभावक भी खुश नजर आ रहे हैं। कोविड-19 के तहत सामाजिक दूरी व सैनिटाइजर का प्रयोग करते हुए सभी छोटे बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दूरी पर बैठाया गया है। कहा कि 1 से लेकर 5 तक की कक्षाएं सोमवार व बृहस्पतिवार को तथा कक्षा 2 से 4 की कक्षाएं मंगलवार व शुक्रवार को तथा कक्षा 3 के बच्चों की पढ़ाई बुधवार व शनिवार को होगी। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि बच्चों की पढ़ाई क्रमवार 2 दिनों तक चलाई जाएगी, जिसके लिए विद्यालय प्रबंध टीम द्वारा पूरी तरह तैयारी कर ली गई है। खड़े रहिए सर, चंकला बैलून लेके खड़े रहिए। मैं शालिनी गुप्ता, प्राथमिक विद्यालय ज्ञानपुर सेकंड, ज्ञानपुर भदोही, एज ए हेड मास्टर। आज लगभग 1 साल बाद विद्यालय खुल रहे हैं। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान है, अभिभावक भी बहुत उत्सुक है। इन सबों को देखते हुए कोविड-19 के तहत सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, सैनिटाइजर का प्रयोग करते हुए और अभिभावकों बच्चों के साथ सभी को जो हम लोग 1 साल से झेल रहे हैं, उन सबों को ध्यान में रखते हुए आज विद्यालय जो कि छोटे बच्चों के लिए खुल रहे हैं, उनका ध्यान रखते हुए, अभिभावकों को सचेत करते हुए, बच्चों को सचेत करते हुए आज से कक्षाएं शुरू हुई हैं, जिसके तहत छोटे बच्चे क्लास 1 एंड 5 सोमवार और बृहस्पतिवार को आएंगे। कक्षा 2 और 4 के बच्चे मंगलवार और शुक्रवार को आएंगे और कक्षा 3 के बच्चे बुधवार और शनिवार को आएंगे। कहने का मतलब ये है कि वीक में हम सिर्फ 1 क्लास के लिए 2 दिन क्लासेस चलाएंगे और ध्यानाकर्षण, रिमेडियल टीचिंग, फाउंडेशन लर्निंग, समृद्ध हस्तिका, कार्य पुस्तिका, इन सबों को ध्यान में रखते हुए जो हमारी पढ़ाई का नुकसान हुआ है उनको हम फिर से आज से कार्यान्वयन करेंगे। इसको लेकर के हमारा समस्त स्टाफ और अभिभावक सब बहुत उत्साहित हैं और इसके लिए पूरी तैयारी कर लेंगे। लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाएं और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए स्वतंत्र प्रभार समाचार को सब्सक्राइब करें।